आज है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 संस्कृत, देख रहे हैं पूर्णांक 50, समय 2.5 घंटा। बच्चों आप एक चीज ये देख लेना, यह बाजारू पेपर है। दुकानदार ने कहा सर जी मेरा विद्यालय बहुत दूर दूर कर बहुत से जिलों में पेपर जाता है और सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य लगभग बाजारू पेपर ही डालते हैं, तो आशा है कि आपको ही यह विद्यालय में आया होगा। और आप ये चिंतित मत होना कि इसमें सन नहीं डाला गया है, सन बाजारू पेपर में सन नहीं डाला जाता है, देख रहे हैं। और पेपर नया है, इसमें आप कैसे करना, पिछले साल वार्षिक पेपर हमारा देख लेना, उसमें सन नहीं पड़ा था। बच्चों ने बहुत से कमेंट किया है कि सर जी यही पेपर डालिए, बहुत आ रहा है, सब फंस रहा है। तो आपसे आशा है एक बार जरूर देख लेना, देख कर जाना, हो सकता है आपके विद्यालय में यही पेपर आया हो 100%। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, देख रहे हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश का भावार्थ हिंदी में लिखिए। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव भवति, दीपावली प्रकाश का त्यौहार होता है। इदम पर्वम कार्तिक्याम अमावस्यायाम संघटते, यह पर्व कार्तिक महीने के अमावस्या का होता है। अस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र चतुर्वंश मितम वनवासम पूर्णम कृत्वा रावणम जित्वा अयोध्यायाम प्रत्यागच्छत्। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे। तथा प्रवृत्ति इदम पर्व प्रचलित, तभी से यह पर्व प्रचलित है। इसमिन महापर्वाण रात्रो महालक्ष्मी पूजनम भवति, और इसी रात्र के दिन महापर्व महालक्ष्मी का पूजन भी होता है। वयम च देवी धन धान आदिकम यचामहे, हम लोग सभी देवी से धन धान की अर्चना करते हैं। सर्वे जना स्वीकार, सभी लोग स्वीकार करते हैं। गृहान दीप मालाया संजयते, अपने घरों को दीप मालाओं से संयोजित करते हैं, सजाते हैं। दिए गए श्लोक का भावार्थ लिखो। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। कभी कह रहा है कि काका कौवा और कोयल में, काका कृष्णा कौवा काला होता है, पिका कृष्णा कोयल भी काली होती है। को भेदा पिका काकयो, और कोयल और कौवे में भेद नहीं किया जा सकता, अंतर नहीं किया जा सकता है। लेकिन बसंत समय पर आपते, बसंत समय आने पर काका काका कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। अगला है लोभात क्रोभा लोभात क्रोधा प्रभावित, लोभात कामा प्रजायते, लोभात मोहस्य नाग्रस्य, लोभा पापस्य कारणम। दो में एक करना है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवाहति, आपके किताब का है, देख करके आप लिख लेंगे। अपने पाठ पुस्तक से 8 लाइन का श्लोक, चाहे जिस जिले के होंगे, सभी जहाँ जिस प्रकार का पेपर आएगा एक श्लोक जरूर आएगा, अपना याद कर लेना अभी से और लिख कर याद करना ताकि त्रुटि ना हो। किसने कौन सा कथन कहा है, आपके किताब का है, अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं। आगे हम पलटते हैं। समास विग्रह कीजिए। लक्ष्मी पूजनम पीताम्बरम पीत अम्बरम या ससा बौबरी समास है। अगर संस्कृत में अनुवाद करो, दीपावली प्रकाश का पर्व है, दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, महावीरस्य माता नामना त्रिशला आसीत। पत्थर में भी प्राण है, पाषाणेषु अपि प्राणः अस्ति। इस तरह से यदि वीडियो अच्छा आपको लगा हो और आपको लगे कि पेपर में आपके यहाँ आ सकता है, तब लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके यह जरूर बताना कि कौन सा पेपर आपके यहाँ आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।